Hi guys, thank you so much for watching this video. I'm Sonal. How are you all? Okay, so today we are going to be discussing about the process of auditions. I know it's too fascinating, right? मतलब जब मैं ये इंडस्ट्री में नहीं थी यहाँ पर तो मैं सोचती थी कि यार ऑडिशंस में ना होता क्या होगा, मतलब यू नो जाएंगे तो क्या होगा, किससे मिलेंगे, क्या बात करेंगे, कैसे क्या करेंगे, यू नो आई हैड सो मेनी क्वेश्चंस एंड आई एम श्योर अगर आपने ऑडिशन नहीं दिया है तो आपके दिमाग में भी होंगे, राइट? सो विद टाइम इतने सारे ऑडिशंस लेने के बाद आई हैव कम टू अ कंक्लूजन दैट ऑडिशन एक बहुत ही नॉर्मल सी प्रोसेस है, बहुत नॉर्मल सी, जस्ट लाइक एनी अदर इंटरव्यू. अगर कोई इंजीनियर होता है या फिर आप किसी और प्रोफेशन में इंटरव्यू देते हो, सिमिलरली एक्टर्स के लिए ऑडिशन है. सो बेसिकली ऑडिशन इज इक्विवेलेंट टू एन इंटरव्यू जो आप दूसरे प्रोफेशन में देते हैं. सो दीज आर द सेम थिंग्स, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है. इनफैक्ट टुडे वी आर गोइंग टू बी डिकोडिंग द प्रोसेस की पूरी जो प्रोसेस होती है ना ऑडिशन की, ए टू जेड, उसमें होता क्या है. सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ऑडिशंस. क्विकली मैं आपको एक पूरा सिनेरियो बता देती हूँ कि जब आप एक ऑडिशन पे जाओगे तो क्या क्या होगा. सबसे पहले आप एंटर करोगे तो आपको एक दिखेगा दरवाज़ा, यस, जिस पे लिखी होंगी कास्टिंग रिक्वायरमेंट. ओके, वो क्यों होती है? क्योंकि कुछ लोग फिट नहीं होते हैं जो वॉक इन करते हैं और कुछ लोग फिट होते हैं, तो वहाँ पे एक ईमेल आईडी होती है. तो अगर आपको बुलाया गया ऑडिशन के लिए तो इग्नोर इट, और अगर आपको नहीं बुलाया गया है तो यू नीड टू कंसिडर इट कि हाँ अगर ईमेल आईडी है या नंबर है तो उस पर अप्रोच किया जाए रादर देन गेटिंग इनटू द ऑडिशन रूम डायरेक्टली. या अगर आपको बाहरी कास्टिंग असिस्टेंट्स या डायरेक्टर मिल जाए तो आप उनसे पूछ सकते हो कि क्या मैं फिट हूँ या नहीं हूँ. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू गोना सी. सेकेंड चीज़ क्या होगी, जब आप अंदर जाओगे सो देयर विल बी अ क्यू शीट. ठीक है, पहली बात तो अगर शॉर्टलिस्टेड ऑडिशन होगा तो बहुत कम भीड़ होगी, गिनती के लाइक 10 लोग हो सकते हैं. बट अगर ओपन ऑडिशन हुआ या फिर नॉर्मली बहुत सारे लोगों को बुलाया होगा तो भीड़ होगी, एंड जाहिर सी बात है देयर विल बी अ क्यू शीट. ओके, सो अ क्यू शीट इज बेसिकली, आई थिंक यू नो व्हाट अ क्यू शीट इज, राइट? जिसमें आपकी डिटेल्स होते हैं, आपका नेम होता है, आपकी डिटेल्स में आपका नंबर होता है, आपकी एज होती है, हाइट होती है, तो जो भी उनको पूछना होता है सो वो एक क्यू शीट होती है जिसपे आप मेंशन कर दोगे. देन द थर्ड थिंग इज कि आप जैसे जाओगे क्यू शीट पे मेंशन कर दिया, आप अपनी टर्न का वेट करोगे तो मे बी वहाँ पे जो वेटिंग एरिया होता है बैठोगे, आपको स्क्रिप्ट दी जाएगी या तो सीन समझाया जाएगा. अगर बहुत छोटा सा कुछ होता है, ऐड वगैरह होता है, तो वो आपको कुछ समझा देते हैं वर्बली. बट अगर कोई लाइन्स मेमोराइज करनी होती हैं तो दे विल डेफिनेटली गिव यू स्क्रिप्ट. अब स्क्रिप्ट मिलने के बाद सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये पूछना है कि क्या है ये, सॉरी आई डोंट नो, नो नेवर. सुनो गौर से, ठीक है? आपको मिली स्क्रिप्ट, आपने स्क्रिप्ट लिया, नाउ यू रीड इट, अच्छे से पढ़ो एंड उनसे पूछो कि व्हाट इज़ माय कैरेक्टर. पहले तो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ना है, ऐसा नहीं कि अच्छा मेरा कैरेक्टर ये है तो मैं सिर्फ इतना ही पढ़ूंगा, तो उससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि पूरे सीन में हो क्या रहा है. यू बी लाइक आई एम प्रिपेयर्ड फॉर माय कैरेक्टर सो इट्स ओके, बट आपको पूरे सीन के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप परफॉर्म कैसे करोगे, राइट? सो दिस इज द थिंग. फिर आप जब एक बार अच्छे से पढ़ लोगे देन यू आस्क द कास्टिंग पर्सन कि क्या है ब्रीफ, आप उनसे पूछोगे. तो जब आपको वो समझा रहे होंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन सबसे पहले नहीं पूछना, दे नो द कैरेक्टर रियली वेल, तो दे विल टेल यू कि वॉट डू दे वॉन्ट फ्रॉम यू, राइट? तो वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, तो आप पहले उनकी बात सुनना. फिर अगर उसके बाद यू थिंक दैट देयर सम कंफ्यूजन या आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, देन आस्क. बट व्हाइल द पर्सन इज गिविंग यू द ब्रीफ, तो बाहर ना काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, यू विल हैव टू बेयर विद मी नाउ. ओके, सो आई मीन टू से कि जब भी आपको स्क्रिप्ट मिले, सामने वाला जो कास्टिंग असिस्टेंट है या कास्टिंग डायरेक्टर है उनसे पहले ब्रीफ लेना आप, रादर देन आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस. एंड जब वो अपना बोलकर खत्म हो जाए कि ओके वी आर डन, देन यू आस्क योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस, एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, यू विल से कि सोनल हाँ आपने बता दिया कि ऑडिशन पे क्या करना है, कैसे करना है, बट हाउ डू वी फाइंड ऑडिशंस, राइट? सो ओके आई टेल यू, इट इज़ वेरी इजी nowadays. If you use Instagram, it's well enough. If you do not, then download Instagram, क्योंकि आज के टाइम पे Instagram पे आधे से ज़्यादा कास्टिंग हो जाती है. And follow so many relevant people, they are there. All the casting directors, they keep posting things कि वो कब casting कर रहे हैं, किस चीज़ की कर रहे हैं. Apart from that, we have so many groups on Facebook जहाँ पे casting update लोग डालते रहते हैं. Where you can also post, they also post. तो आप देखो, आप जहाँ पर fit हो आप वहाँ जा सकते हो. And whenever you go for an audition in आरामनगर or anywhere, तो आसपास भी audition हमेशा चल रहे होते हैं. तो हर एक audition studio जो होता है उसके बाहर जाके आप देख सकते हो, वहाँ बहुत सारी ईमेल आईडीज दी होती है ना, सो यू कैन कीप सेंडिंग योर पिक्चर्स अक्रॉस एंड वहाँ से भी आपके कॉन्टेक्ट्स बन जाएंगे. सो आई थिंक ये 3-4 तरीके हैं विच आर गोइंग टू हेल्प यू इन बिल्डिंग कॉन्टेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ यू नो कास्टिंग कॉल्स, तो आपको पता चलता रहेगा. एंड ऑब्वियसली यू विल मीट पीपल, यू विल मीट फ्रेंड्स, तो उससे क्या होगा कि दोस्त बनते हैं, तो वो बताएंगे कि भाई तेरे लाइक कुछ चल रहा है, यू नो लाइक यू शुड ऑल्सो कम फॉर दिस ऑडिशन. सो दिस इज अ प्रीटी मच ईजिएस्ट वे जहाँ पे यू कैन हेल्प पीपल एंड यू कैन सीक सम हेल्प एंड यू ऑल कैन ग्रो टुगेदर. ओके नाउ आई हैव सीन सो मेनी डीएम्स जिसमें एक चीज़ पूछी जाती है कि ऑडिशन कहाँ होता है सोनल। अब यार कोई एक जगह तो नहीं है कि मैं बोल दूँ कि अच्छा तुम यहाँ पे जाओ, यहाँ ऑडिशन होते हैं। ठीक है, ऑडिशन बहुत सारी अलग अलग जगहों पे होते हैं। मोस्टली अगर सीरियल्स के ऑडिशन होते हैं तो वो उनके ऑफिस में ही होते हैं, जो प्रोडक्शन हाउस होते हैं। तो वो मलाड में भी हो सकता है, गोरेगांव में भी हो सकता है, टाउन में, अंधेरी में, कहीं पर भी हो सकता है। जो एड्स होते हैं उनके मोस्टली होते हैं आरामनगर में, ओशेवारा में। आरामनगर में तो पूरा एक मोहल्ला समझ लो आप, ठीक है, ऑडिशन का। ओशेवारा में होता है, गोरेगांव में भी होते हैं, सो जुहू में भी होते हैं। सो बहुत सारी अलग अलग जगह हैं जो ऑडिशन होते हैं। एंड यू कैन अगेन गेट टू नो अबाउट द ऑडिशंस थ्रू द सोर्सेज जो मैंने सेकंड वाले पॉइंट में बताए थे आपको, क्योंकि these are the only basic ways how you can get in touch with people, you can get to know about auditions, you know. So कोई एक जगह नहीं है जो मैं आपको बता दूँ, बहुत अलग अलग जगहों पे होते हैं। So always be an opportunist when it comes to audition updates, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो कि कहीं पे भी जा रहे हो, वहाँ एक जगह जाने से आपके 4 कॉन्टेक्ट्स बन सकते हैं, उन 4 कॉन्टेक्ट्स से आपके 8 कॉन्टेक्ट्स बन सकते हैं। So हमेशा अपने दिमाग से अलर्ट रखना कि हाँ यहाँ पे कोई दोस्ती हुई किसी से तो उनसे पूछ लिया, उनको बता दिया, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, यू नो। सो या Okay, so the next point is not a question, but it is a concern. जो लोग बोलते हैं कि I am a good actor, but मेरा selection नहीं हुआ ऑडिशन में, तो क्यों नहीं हुआ? So now I'll tell you one thing, आप कितने भी अच्छे एक्टर क्यों ना हो, आप तो मैं तो बोल रही हूँ कि बहुत ही अवॉर्ड विनिंग एक्टर हो, आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बट अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जिसमें से एक ऐसा हो सकता है कि आपका लुक उतना अच्छा ना जा रहा हो, या मे बी उनको आपके जैसा कोई चाहिए ना हो। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट पॉइंट में ये कहा था कि सबसे पहले उनसे जान लो कि उनको आपसे क्या चाहिए, ठीक है। एक बार आप ये जान जाओगे तो आप उस तरह से ही परफॉर्म करोगे जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी। एंड इफ़ यू डू नॉट गेट शॉर्टलिस्टेड और फाइनलाइज्ड देन डोंट बी डिसहार्टन, क्योंकि हो सकता है आपकी इतनी कोशिश करने के बाद भी आप उनके अगर उस कैरेक्टर में फिट नहीं है तो नहीं है, तो आप उस कैरेक्टर में फिट नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप तो एक्टर ही गंदे हैं, यू नो। सो डोंट थिंक दैट अगर आप फिट नहीं हो तो अंडरस्टैंड कि आप और उस कैरेक्टर में बहुत डिफरेंस है, हैंस आप फिट नहीं हो। एंड एट द एंड आई वुड से कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं ऑडिशन के लिए जब आप जाते हो, जैसे कि क्यू शीट फिल करना जो मैंने आपको पहले बताया था, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना, इंट्रोडक्शन देना, स्लेट भरना। ये 4-5 चीज़ें होती हैं जो आपको करनी चाहिए। कभी कभी एक्टर्स भूल जाते हैं स्लेट भरना, यू नो, वो जो स्लेट पकड़ के इस तरह से पिक्चर क्लिक कराते हैं, कुछ लोग वो भूल जाते हैं, कुछ लोग अपना क्यू शीट में नंबर लिखना भूल जाते हैं, कुछ लोग क्यू शीट भरना ही भूल जाते हैं। सो जब भी आपने एक ऑडिशन दे दिया, सो क्विकली डू अ चेक कि आपने वो सारी फॉर्मेलिटीज़ की हैं जो उस पर्टिकुलर ऑडिशन के लिए रिक्वायर्ड थी या नहीं की है, और अगर आपने की है देन वेल एंड गुड, और अगर नहीं की है तो कर लीजिए। ऑल्सो हर एक ऑडिशन की अलग अलग फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर इस ऑडिशन पे ये सारी चीज़ें कराई हैं, लुक एट माई हैंड, और अगर इस ऑडिशन पे गए हैं तो सेम चीज़ें कराई जाएँ। नो, हर ऑडिशन पे उनका एक अलग ही प्रोसेस होता है। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ऑब्जर्व किए जो सामने वाले लोग हैं उन लोगों ने क्या क्या प्रोसेस किया है। सो आई थिंक इट गिव्स यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, एंड येस दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। लास्ट के जो 3 पॉइंट्स हैं वो मैंने इतनी जल्दी जल्दी बोले क्योंकि मुझे डर था कि कहीं दोबारा से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया तो मेरा वीडियो रह जाएगा। सो गाइज, अगर मैंने बहुत जल्दी बोल दिया तो प्लीज़ बेयर विथ मी, ओके। दोबारा पीछे जाके सुन लीजिए आप, ओके। एंड ऑन दैट नोट आई एम गोना गो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल था, और अगर हेल्पफुल था देन आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर इट विद द रेलेवेंट पीपल। फालतू में लोगों को स्पैम मत करना कि सोनल का वीडियो भेज दो, जिनको आपको लगता है जो आपके काम के हों उनको भेज देना। एंड यू कैन कम टू माई इंस्टाग्राम पेज वेयर आई शेयर ऑल माई कास्टिंग रिक्वायरमेंट्स एंड some funny videos also. And on that note I'm gonna go. I hope this video is really helpful. I've tried to tell you the exact thing कि audition पे होता क्या है, exactly क्या क्या होगा. So whenever you go for an audition और आप ये सब चीज़ें करो तो मुझे बताना इस comment section में कि हाँ यार ऐसा ऐसा हुआ है सोनल, and this video was really helpful. So yes, also let me know कि कैसे लग रही हूँ मैं. So I'm gonna see you soon.